वेलकम दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आठ लड़कियां ओ पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठी हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हों। इनमें से चार लड़कियां मेज के मध्य में बैठी हैं और अन्य चार मेज के कोने पर बैठी हैं। जो लड़कियां मेज के कोने पर बैठी हैं उनका चेहरा बाहर की ओर है, जो मेज के मध्य में बैठी हैं उनका चेहरा अंदर की ओर है। ठीक है, तो ये तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी का चेहरा अंदर की ओर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी, इन कर दीजिए आप ऐसे। आगे देखिए, U और W के मध्य दो लड़कियां हैं, तो U और W के मध्य दो लड़कियां हैं। U Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, U जो है वो Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। W P के बाएं को दूसरे स्थान पर, W जो है वो P के बाएं को दूसरे स्थान पर है, इस टाइप से। आगे देखिए, Z और P के मध्य दो लड़कियां हैं, Z और P के मध्य दो लड़कियां हैं। ओ जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर, ओ जो है वो जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर है, इस टाइप से लिखेंगे। एक्स और वाई का चेहरा एक दिशा में है, एक्स और वाई जो है वो सेम फेस है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर लिख लेंगे। एक्स ना तो वाई का और ना ही पी का निकटतम पड़ोसी, एक्स जो है ना तो वाई का और ना ही पी का निकटतम पड़ोसी है, इस टाइप से लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर एक फिगर टू पॉसिबिलिटी लेके यहाँ पर चलता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फेसेस बाहर की तरफ है, इस टाइप से। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कहा देखिए, पी आपका इन है, पी को हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, पी के सेकंड लेफ्ट आपका डब्लू है, तो यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, यहाँ पर भी डब्लू आ जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका हुआ था। अब जरा देखिए, U और W के बीच में दो लोग बैठे हैं ना, तो W एक दो, एक आपका U यहाँ आ जाएगा, एक बार U आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब जरा देखिए, Z और P के बीच में दो लोग बैठे हैं, अगर इसकी बात करूँ तो एक दो Z यहाँ पर आपका आ नहीं पाएगा, एक दो Z आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर Z यहाँ आता है तो जरा देखिए, Z के सेकंड राइट आपका O है, तो Z के सेकंड राइट आपका इस तरफ होगा O, तो ये आपका नहीं आ पाएगा, तो ये कंडीशन तो आपकी गलत हो गई। अगर मैं इसमें देखूं तो P एक दो Z आपका यहाँ, लेकिन Z के सेकंड राइट में आपका O आना था, वो नहीं आ पाएगा, इसलिए Z के लिए मात्र एक जगह है और Z का सेकंड राइट O कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, और ZP वाली भी क्लियर हो गई आपकी। अब जरा देखिए, U और Y एक साथ नहीं आएंगे, तो Y आपका यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, X और Y एक ही फेस पर रहेंगे और एक ही फेस के लिए ये दो जगह बची हैं, क्योंकि कोने में आपके तीनों हो गए, ये दो जगह बची हैं आपकी, वो भी X और Y के लिए, लेकिन Y आपका U के पास नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो Y के लिए मात्र एक कंडीशन है ये, और आपका X यहाँ आ जाएगा, क्योंकि Y और X एक ही फेसेस कर रहे हैं। इसके बाद एक आपका और बचा हुआ है, वो कौन सा इस क्वेश्चन में जगह यहाँ पर देखेंगे, तो ओ पी आपका हो जाएगा, ओ पी यू वी, वी आपका नहीं हुआ है, तो वी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं। दी गई व्यवस्था के आधार पर वाई के संदर्भ में डब्लू का स्थान, तो वाई के संदर्भ में डब्लू कहाँ पर आपका ये है, तो यहाँ देखेंगे 1 2, ये राइट है ना, तो दाएं को दूसरा हो जाएगा आपका। निम्न में से कितनी लड़कियाँ यू और ओ के मध्य हैं, यू और ओ के मध्य एक ही है। निम्न के पांच में से देखिए, बैठने संख्या के आधार पर एक तरह के समान है और एक समूह बना दें, इनमें से कौन है जो शामिल नहीं है, जेड ओ, देखिए जेड ओ दोनों तरफ बाहर की तरफ देख रहे हैं, ओ यू, ओ और यू बाहर की तरफ देख रहे हैं, यू बी ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, वी पी, तो वी पी ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यू जेड भी आपका बाहर की तरफ देख रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी लड़की पी के दाएं को दूसरे स्थान में बैठी है, तो पी के दाएं कौन सा है, ये तरफ है, तो ये और ये फर्स्ट दाया सेकंड दाया एक्स। ठीक है, इस तरफ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।